हेलो फ्रेंड्स, एनजीआर स्टडी के महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी साथी जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्लास जो है अभी आप लोग का होने वाला है। और आपको बता दें कि आज के क्लास में हम लोग काफी महत्वपूर्ण चीजें सीखने वाले हैं। और आपको पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड कक्षा 10 के लिए, किसके लिए, बिहार बोर्ड कक्षा 10 के लिए नन हिंदी का जो आपका किसले बुक है, जो क्लास 8 का बुक आप लोग पढ़ते हैं नन हिंदी वाले स्टूडेंट, उसका काफी महत्वपूर्ण चैप्टर सब आज हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। 11 नंबर चैप्टर तक हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, दो चैप्टर ये जो कि काफी महत्वपूर्ण चैप्टर भी है और यहाँ से क्वेश्चन भी ज्यादा देखने को मिलता है, ये दोनों के दोनों चैप्टर आज हम लोग फिनिश करने वाले हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी चैप्टर को उसका पूरा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, चैप्टर का पूरा कहानी समझ लेते हैं, तो दो फायदा होता है। सबसे पहली बात तो आपको इस चैप्टर से, मान लीजिए कि विक्रमशिला चैप्टर है, तो विक्रमशिला चैप्टर अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो पूरा पढ़ने से फायदा क्या होता है कि आप जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे इसी के बीच से आएंगे तो वो आप आराम से बना पाइएगा। दूसरा, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो भी आप आराम से बना पाइएगा अगर आप कहानी पूरा समझे रहते हैं। तो आज हम लोग इस दोनों चैप्टर को बहुत ही स्मार्ट वे में, कम से कम समय में, अच्छा से अच्छा तरीका से हम लोग पूरे दोनों चैप्टर के पूरे कहानी को, संपूर्ण कहानी को समझने वाले हैं। और इसके बाद आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आराम से बना पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इस दोनों कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले 11 नंबर चैप्टर तक हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, तो जो लोग इससे पहले के सारे क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर जो है देख लीजिएगा। कंटिन्यू करेंगे, चीजों को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। जितने भी साथी अगर अभी तक एलजीआर स्टडी का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मिल जाएगा। एलजीआर स्टडी ऐप क्यों डाउनलोड करें, क्योंकि आपको इस ऐप पर सभी विषय का वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, क्विक रिविजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट, सभी सब्जेक्ट का आपको बिल्कुल ही फ्री में जो है मिल जाएगा। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा एलजीआर स्टडी, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं, हम लोग अपने चैप्टर को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। विक्रमशिला चैप्टर सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो विक्रमशिला के बारे में सबसे पहला बात आप याद रखिएगा कि विक्रमशिला जो पाठ है यह एक निबंध है। क्या है? निबंध। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई पाठ कविता होता है, कोई पाठ कहानी होता है, कोई डायरी होता है, कोई यात्रा वृत्तांत होता है, तो ये क्या है, ये निबंध है। सबसे पहला पाठ बात आपको याद हो गया इस चैप्टर से संबंधित कि विक्रमशिला क्या है, निबंध है। अब जानते हैं कि इस पाठ में आखिर दिखाया क्या गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस पाठ का पहले हम बेसिक सा कंसेप्ट लेते हैं, दो मिनट के अंदर हम क्या करते हैं इसके ओवरऑल कंसेप्ट को समझते हैं, फिर आपको एकदम चीजें सिस्टम बाय सिस्टम क्या करेंगे समझाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक विश्वविद्यालय है। विक्रमशिला क्या है? विश्वविद्यालय है। है नहीं, अभी तो हम है नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये अब समझ सकते हैं कि बर्बाद हो चुका है, या मतलब खत्म हो चुका है, ठीक है, इसका अंत हो चुका है इस विश्वविद्यालय का, सीधा सीधा आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर आपको पता होना चाहिए कि विक्रमशिला के स्थिति को दिखाया गया है, और आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन टाइम पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है बहुत ही फेमस थी, लेकिन अभी इसका नामो निशान मिट चुका है। तो इस चैप्टर में बस यही दिखाया गया है कि विक्रमशिला पहले कितना अच्छा जो है थी, और कितना महान विद्यार्थी यहाँ से पढ़ के निकले हैं, और आज इसका स्थिति खराब कितना हो चुका है। तो अपने दुख को, अपने समस्या को विक्रमशिला खुद इस पाठ में क्या कर रही है, बता रही है। मतलब इस पाठ में, इस पाठ को इस भाव से लिखा गया है जैसे लग रहा है कि विक्रमशिला अपने समस्याओं को खुद क्या कर रही हो, बता रही हो। तो सीधा आप याद रखिएगा, पूछा जाएगा और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि विक्रमशिला पाठ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के समस्याओं को कौन बता रहा है, तो याद रखिएगा विक्रमशिला खुद बता रहे हैं। जैसे आप कहीं कोई व्यक्ति होते, उसको कोई समस्या होता तो बोलता है ना कि मैं पहले ऐसा था, मैं बहुत अच्छा था,
मेरे यहाँ अच्छे अच्छे काम होते थे, लेकिन अब हम बर्बाद हो चुके हैं, अब हमारा इस दुनिया में कोई नाम नहीं रहा। तो कुछ इस तरह से विक्रमशिला भी बताते हैं कि मैं पहले बहुत फेमस विश्वविद्यालय था, बहुत अच्छा हमारे यहाँ स्टूडेंट होते थे, लेकिन आज के सरकारों ने हमारा जो है ना हालत खराब करके रखा है। मतलब अब हम मिट चुके हैं, इस सारे चीज को दिखाया गया है। तो आपने देख लिया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो आपका विक्रमशिला है वो क्या है, इसमें अपना समस्या सुना रही है विक्रमशिला खुद। अब चलिए विक्रमशिला का परिचय लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं विक्रमशिला जो है खुद बोल रही है कि मैं अतीत है ना आज के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं अधिक उन्नत और महत्वपूर्ण था। आपको पता होना चाहिए कि आज के समय में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उससे कहीं फेमस और कहीं मैं विकसित था, ऐसा कौन बता रहा है? विक्रमशिला। तो पूछा जाएगा आपसे कि विक्रमशिला किस विश्वविद्यालय से उन्नत और महत्वपूर्ण था। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सबसे उन्नत था। विक्रमशिला कहती है कि मेरे यहाँ आर्यभट्ट और अतीश दीपंकर, याद रहेगा आप लोगों को आर्यभट्ट ठीक है, और अतीश दीपंकर, दीपंकर अतीश दीपंकर। तो याद रखिएगा विक्रमशिला खुद कह रही है कि मेरे यहाँ आर्यभट्ट और अतीश दीपंकर सिख सरीखे विद्वान हुए, मतलब ये लोग यहीं पढ़े हुए थे। विक्रमशिला में ही आर्यभट्ट और अतीश दीपंकर, ये भी बहुत बड़े विद्वान थे, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय से ही पढ़े हुए थे। और ये तो पूछा जाता है ठीक है ना, आर्यभट्ट कहाँ के प्रोडक्ट हैं या फिर कहाँ से पढ़े लिखे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा ठीक है। तो बोलेगा कि आर्यभट्ट और अतीश दीपंकर जो है यहीं से पढ़े लिखे लोग हैं और ये इतने बड़े विद्वान हैं, इसके महत्व को भुलाया नहीं जा सकता है। आपने अब आर्यभट्ट के बारे में जरूर जाना होगा ठीक है। कभी कहते हैं ये विक्रमशिला कहती है कि आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध है, सही बात है, विश्व प्रसिद्ध है जो हमारे यहाँ से ही पढ़ के निकला है। अतीश दीपंकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और लामा संप्रदाय की शुरुआत की। अतीश दीपंकर कहाँ पर, तो तिब्बत के अंदर जो है ये फेमस काम करे हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। अब बात करते हैं कि ये था कहाँ पर, ये तो देख लिए कि ये कितना महत्वपूर्ण था विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय, अब ये था कहाँ पर ये बात करते हैं। तो याद रखिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है प्राचीन, याद रखिएगा मैं लिख देता हूं ताकि आपको एक बार याद रहे ठीक है ना, प्राचीन समय का अंग महाजनपद, प्राचीन समय का कहाँ अंग महाजनपद ठीक है। अंग महाजनपद में ये था, जो अभी अभी के समय में याद रखिएगा ये जो प्राचीन समय का अंग महाजनपद से लोकप्रिय है एक कहलगांव, और अभी के कहाँ तो कहलगांव थाना क्षेत्र, थाना याद रखिएगा कहलगांव, और पोस्ट याद रखिएगा पथरघट्टा के एक छोटे से गांव अंतिचक, याद रखिएगा अंतिचक में 8वीं शताब्दी के मध्य मेरा आविर्भाव, मतलब ये इसका आविर्भाव हुआ था। तो आपने देखा कि कहलगांव थाना है और पथरघट्टा पोस्ट है, ये पोस्ट ऑफिस है, और अंतिचक गांव में ये था। और जिला पूछेगा तो जिला याद रखिएगा भागलपुर, भागलपुर ठीक है। तो भागलपुर जिला में ये था मुख्य रूप से विश्वविद्यालय अंग महाजनपद। प्राचीन समय में बोलेगा तो बोलेगा आपसे पूछा जाएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन समय के कहाँ पर अवस्थित थी, तो अंग महाजनपद में। और वर्तमान में ये कहाँ, अंग महाजनपद का नया नाम क्या हो चुका है, सीधा सीधा समझ लीजिए कि भागलपुर जिला, भागलपुर जिला में ये थी। तो आपने देख लिया कि भागलपुर जिला में ये था ठीक है। अब इसका जो है ना स्थापना किसने किया, तो याद रखिएगा इसका स्थापना पाल वंश के सर्वाधिक लोकप्रिय राजा धर्मपाल, किसने किया था, तो ये धर्मपाल ने किया था ठीक है ना, याद रहेगा। पूछा जाएगा कि किस राजा ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, तो याद रखिएगा धर्मपाल ने। तो धर्मपाल के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। अब इसका नाम विक्रमशिला क्यों पड़ा, विक्रमशिला क्यों पड़ा, तो याद रखिएगा कि विक्रम नाम का, किस नाम का, तो विक्रम, विक्रम नाम का एक यक्ष, यक्ष मतलब राक्षस कह लीजिए, एक राक्षस जो है
को यहाँ पर दमित किया गया था, मतलब उसको मार दिया गया था, उसका अंत किया गया था। और यहाँ पर जो है ना बौद्ध, जो है ना बौद्ध विहार मतलब जहाँ पर बौद्ध भिक्षुक जो है रहते हैं, उसका स्थापना किया गया था। जिसके कारण तो विक्रम नाम का जो यक्ष था उसी के दमन के बाद यहाँ पर बौद्ध विहार बनाया गया था, जिसके कारण इसका नाम विक्रमशिला पड़ा था। याद रख आपको रखना होगा। विक्रमशिला कहती है कि मेरे प्रांगण में 6 विश्वविद्यालय महाविद्यालय थे, जिसको आप कॉलेज कह सकते हैं। कितने कॉलेज? 6 कॉलेज। पूछा जाएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कितने महाविद्यालय थे, तो 6 महाविद्यालय थे। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। जितना भी मैं महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सारा का सारा चर्चा कर देता हूँ, तो आप ध्यान से समझिएगा तो आराम से आप देख पाएगा, चीजों को सीख पाएगा। अब आगे कवि विक्रमशिला कहती है कि केंद्रीय महाविद्यालय के, हाँ देखिए अब इसके अंदर जो है ना कैसे बच्चों को आगे एंट्री मिलता था, बच्चे कैसे अंदर जा पाते थे। तो कवि का विक्रमशिला कहता है कि मेरे प्रांगण में 6 महाविश्वविद्यालय थे, जहां अलग अलग द्वार पंडित नियुक्त किए गए थे। द्वार पंडित हुआ करते थे, द्वार पंडित मतलब एक गेटमैन आप जिसको कह सकते हैं, जो गेट पर बैठे रहते हैं, जिसको आप द्वार पंडित भी कह सकते हैं। द्वार पंडित नियुक्त किए गए थे, और उसी द्वार पंडित, अब जो भी व्यक्ति, अब गेट जैसे मान लीजिए कि ये गेट है, यहाँ पे द्वार पंडित बैठे हैं, अब कोई भी स्टूडेंट अंदर आना चाहेगा या फिर उसमें एडमिशन लेना चाहेगा, तो द्वार पंडित से उसको परमिशन लेना पड़ता था। और द्वार पंडित उसको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछते थे। अगर क्वेश्चन का जवाब ये व्यक्ति दे दिया तो इसको अंदर जाने दिया जाएगा, नहीं तो नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से होता था। विक्रमशिला कहती है कि केंद्रीय महाविद्यालय के द्वार पंडितों को मेरे आधार स्तंभ की श्रेणी में रखा गया था। मतलब जो द्वार पंडित होते थे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते थे और ज्ञानी होते थे, उनको तंत्र, योग, न्याय, काव्य और व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान उसके पास हुआ करते थे। तो द्वार पंडित का कंसेप्ट क्या था? द्वार पंडित ही दाखिला देते थे, ये आप याद रख सकते हैं। आगे कहते हैं कि हरिभद्र मेरे प्रथम आचार्य कुलपति थे। तो पूछा जाएगा कि विक्रमशिला के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे, तो बोलिएगा हरिभद्र। हरिभद्र इसके प्रथम आचार्य, मतलब जिसको आप अपने साधारण भाषा में, स्कूल के भाषा में हेडमास्टर कह सकते हैं। तो प्रथम आचार्य कहते हैं जो वहाँ के कुलपति हो, कुलपति कहते हैं, और जिसे आपके स्कूल के हेडमास्टर होते हैं उसी तरह विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं, ठीक है। तो ये कुलपति थे, क्या नाम था? हरिभद्र। हरिभद्र याद रखिएगा, ठीक है। अब कई बार यहाँ पर पूछा गया है कि विक्रमशिला में किस भाषा में पढ़ाई करवाया जाता था, तो याद रखिएगा विक्रमशिला कहती है कि अध्यापन का माध्यम संस्कृत भाषा था। कैसा? कौन सा भाषा? संस्कृत भाषा। यानी कि विक्रमशिला में जो पढ़ाई लिखाई का काम चलता था किस भाषा में चलता था? तो संस्कृत भाषा में। पूछा जाएगा कि विक्रमशिला में किस भाषा में जो है पढ़ाई लिखाई चलता था, तो याद रखिएगा कि संस्कृत भाषा में। यहाँ 50 फीट ऊंची एवं 73 फीट चौड़ी जो है इमारत के रूप में प्रधान चैत्य प्राप्त हुआ है। चैत्य कहते हैं वह स्थान जहां पर बच्चे पढ़ते थे। तो एक बहुत बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्डिंग मिला है, जो बिल्डिंग आप अपने बुक में देख सकते हैं, हमने लेना भूल गया है, ठीक है। 7.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में आपको भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है, और यहाँ से भगवान बुद्ध का प्रतिमा भी प्राप्त हुआ है। आगे आपको पता होना चाहिए कि दमपाणि एवं मैत्रेयी, सॉरी परम पानी, पाणिनि का नाम आप जो सुने होंगे और मैत्रेयी का नाम सुने होंगे, कि प्रतिमा भी मिली है। ये सब विद्वान थे, यहाँ से उन लोगों का प्रतिमा भी जो है मिला है, और वीर ब्रज से किया गया है। कुछ क्षतिग्रस्त शिले भी प्राप्त हुए हैं। एक शिला का जो है सत्यापन वीर ब्रज से किया गया है, मतलब कह सकते हैं कि वीर ब्रज वहां पर कुछ इस तरह के रहे होंगे। और विक्रमशिला में और भी बहुत सारे चीज मिले हैं, ठीक है ना। और पढ़ने पढ़ाने से संबंधित और भी अलग अलग चीजों से संबंधित और भी अनेक चीज जो है मिले हैं। खुदाई का काम अभी प्रारंभिक अवस्था में है। अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं के प्रकाश में आने की शंकाएं हैं, बढ़ती जा रही है। मतलब जितना जितना उसको खोदा जाएगा
उतना महत्वपूर्ण चीज सब उसमें से क्या होके निकल के आने की क्या है संभावना है। ये सारे के सारे चीज आप याद रखेंगे, अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं के प्रकाश में आने की संभावना है। आगे कहता है कि 10,000 छात्र, छात्र कितने, छात्र कितने, तो 10,000 छात्र, 1,000 अध्यापक। समझ सकते हैं कि छात्र है 10,000 और अध्यापक यानी कि टीचर है 1,000। ठीक है, तो सोच लो जरा, 1,000 टीचर है, 10,000 छात्र है और 1,000 टीचर है। ठीक है, तो 00 से 00 कट गया, मतलब समझ सकते हैं 000 से कट गया, 10 विद्यार्थी पर एक टीचर, 10 विद्यार्थी पर एक टीचर हुआ करते थे। समझ सकते हैं कितना विकसित और कितना महत्वपूर्ण था। और आज की सरकार को देखिए, वो आपको पता होना चाहिए कि 100 स्टूडेंट पर भी एक टीचर नहीं जो है ला पाती है या फिर उपलब्ध कर पाती है। कई कॉलेज में तो ऐसा भी है कि कई सारे सब्जेक्ट के टीचर है ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं, तो पूछेगा कि कितने छात्र थे, तो 10,000 छात्र थे, टीचर कितने थे, तो 1,000 थे। जहां रह रहे हो, ठीक है, उनकी भव्यता एवं विशालता के संबंध में कहना ही क्या, कह सकते हैं, समझ सकते हैं। जहां 10,000 टीचर विद्यार्थी रहते थे और 1,000 टीचर रहते थे, वो कितना बड़ा रहा होगा, समझ सकते हैं इसी बातों से। ठीक है, अगर बात किया जाए यहाँ पर किस किस चीज का पढ़ाई चलता था, तो याद रखिएगा तंत्र विद्या के अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य, वैश्विक और आध्यात्मिक विज्ञान, जादू और चमत्कार विद्या में पाठ्यक्रम के जो है प्रमुख अंग थे। ये सारे के सारे चीज भी पढ़ाए जाते थे। अब आगे बढ़ते हैं, 13वीं सदी के आरंभ में तुर्क के आक्रमण के कारण मेरा सर्वनाश हो गया। पूछेगा कि विक्रमशिला का सर्वनाश कब हुआ, तो 13वीं शताब्दी, कब, 13वीं शताब्दी में तुर्क का जब आक्रमण हुआ, तुर्की के लोगों ने जब आक्रमण किया तो उसने इसका सर्वनाश कर दिया। और आपको यहाँ पर एक चीज और बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखना है कि तबकात ए नासिरी नामक ग्रंथ में मेरे विध्वंस का जीवंत वर्णन उपलब्ध है। तो तबकात ए नासिरी एक आपको पता होना चाहिए कि किताब का नाम है, और उस किताब में यह दिखाया गया है कि विक्रमशिला का विध्वंस कैसे कैसे किया गया। ठीक है, ये आपने देख लिया। अगला याद रखेंगे कि धर्मस्वामी नामक एक तिब्बती लामा ने मेरे पतन का वर्णन अत्यंत ही मार्मिक तरीके से किया है। तो धर्मस्वामी नाम का एक तिब्बत का लामा है जो विक्रमशिला के पतन के बारे में पूरा क्या करे हैं, वो जानकारी दिए हैं। इस तरह से विक्रमशिला के बारे में आपने देखा कि विक्रमशिला क्या था और किस तरह से इसका पतन हो गया, और विक्रमशिला कितना महत्वपूर्ण था, 1,000 जो है टीचर थे वहां पर, 10,000 विद्यार्थी थे। तो समझ सकते हैं कि 10 विद्यार्थी पर एक टीचर का व्यवस्था था। तो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण विक्रमशिला क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, तो आपने देख लिया कि यह निबंध जो है विक्रमशिला से संबंधित है, और यह एक निबंध है वो सबसे ज्यादा फोकस कीजिएगा इसके ऊपर। तो विक्रमशिला आपने समझा, विक्रमशिला से सारे संबंधित क्वेश्चन आप अब बनाइएगा तो आराम से बन जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से एकदम डिटेल में हम लोग दीदी की डायरी जो आपका चैप्टर है इसको पढ़ने वाले हैं। दीदी की डायरी निबंध नहीं है, कहानी नहीं है, ये डायरी है। पूछेगा सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि दीदी की डायरी रचना की कौन सी विधा है, तो ये कौन सी विधा है, तो ये रचना की डायरी विधा है। कौन सी विधा, डायरी है। तो आइए समझते हैं कि आखिर इस डायरी के अंदर क्या दिया गया है, क्या समझाया, क्या बताया गया है। ठीक है, ये चैप्टर जो है ना एक डायरी है। देखिए डायरी होता क्या है, डायरी सभी व्यक्ति लिखते हैं, आप भी लिख सकते हैं। सभी व्यक्ति तो हम नहीं कह सकते कि लिखते हैं, जो भी व्यक्ति इससे में मजा आता है, जैसे गांधी जी भी ने लिखा है, बहुत सारे लोगों ने अपना डायरी लिखा है। डायरी में क्या लिखा जाता है, अपना जिंदगी, प्रत्येक दिन हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किसी चीजों को क्या किया जाता है, तो लिखा जाता है। तो आप भी चाहे तो डायरी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आइए इस चैप्टर के बारे में समझते हैं और जानते हैं। सबसे पहला चीज आपने समझा कि यह डायरी है, नए गद्य रूप,
डायरी से जो है परिचित कराता यह पाठ डायरी लेखन के साथ ही अत्यंत रूप से मानवीय सरकारों और जीवन के विविध अनुभवों का भी साक्षात कराता है। ये डायरी क्या है ये तो आपको बताता ही बताता है ये चैप्टर, और साथ ही साथ अलग अलग चीजों का भी आपको जानकारी देता है। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर में एक लड़की है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए कि संजू है। क्या नाम है? संजू है। संजू का सबसे पहले परिचय लेते हैं, क्या है संजू। तो गुलाब के फूल सी नन्ही संजू, संजू नाम की लड़की है, कक्षा 8 में पढ़ती है। स्वभाव से हंसमुख है, खूब हंसती हंसाती है, चुटकुले सुनाए तो हंसी के फब्बारे छूटने लग जाते हैं। तो खूब अच्छी लड़की है, हंसमुख लड़की है। संजू चाहे कक्षा में अच्छे नंबर लाए या जन्मदिन मनाए, उसे उपहार में मिलता है पुस्तक। याद रखिएगा, सबसे पहला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही से बनेगा, पुस्तक। ठीक है, बोला जाएगा आपको कि संजू को हमेशा उपहार यानी कि गिफ्ट में क्या मिलता है, तो याद रखिएगा पुस्तक मिलता है। क्या मिलता है? पुस्तक यानी कि किताब मिलता है। समझ में आ गया चीजें। अब फलतः उसके घर में छोटा सा पुस्तकालय बन गया है। इतना पुस्तक उसको गिफ्ट में मिलता है कि छोटा सा एक पुस्तकालय ही बन गया है। स्कूल में भी उसे चटपटी पुस्तकों की तलाश रहती है, चटपटी पुस्तकें हमेशा खोजती रहती हैं। अभी पिछले दिनों संजू ने गांधी साहित्य पढ़ा। गांधी साहित्य मतलब गांधी जी के द्वारा लिखा गया एक बुक है जिसको डायरी कहेंगे हम लोग। किताब का नाम याद रखिएगा सत्य के प्रयोग। क्या है? सत्य के प्रयोग। सत्य के प्रयोग याद रखिएगा कि सत्य के प्रयोग डायरी का नाम है, और ये डायरी गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो सीधा सीधा आप याद रखिएगा कि यह डायरी जो है गांधी जी के द्वारा, यानी कि बापू कह सकते हैं, गांधी जी कहिए या बापू कहिए, बात तो बराबर है। तो गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, ये गांधी जी का डायरी है सत्य के प्रयोग। वैसे अगर देखा जाए तो इसका पूरा नाम है सत्य के प्रति मेरे प्रयोग। ठीक है, लेकिन आपके बुक में सीधे दिया गया सत्य के प्रयोग। तो ये चैप्टर, ये गांधी जी के द्वारा लिखा गया डायरी है। बापू के सत्य के प्रयोग उसे बहुत पसंद आए। ये जो आपकी संजू नाम की लड़की है, संजू अभी जस्ट मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, तो संजू जो है वो पढ़ती है ये सत्य के प्रयोग, उनको बहुत ही क्या होता है, अच्छा लगता है, और इससे वो डायरी लिखने के लिए उत्सुक हो जाती है कि मैं भी क्या करूँ। उसे एक सुंदर डायरी जो है ना लिखने की इच्छा है, उसके मन में आता है कि मैं भी अपना डायरी लिखूंगी। तो डायरी में क्या करना होता है कि आप हर दिन प्रत्येक दिन डेट बाय डेट क्या करते हैं, जैसे 26 तारीख को आपने क्या किया, 27 को क्या किया, पूरे दिन जो भी करते हैं उसको शाम में बैठ करके आप डायरी में लिख दीजिए डेट बाय डेट कि हाँ हमने 26 तारीख को ये किया था, 27 तारीख को ये किया था, 28 तारीख को ये किया था, और हमारे जिंदगी में ये सब घटनाएं घटी। तो इस तरह से लिखा जाता है। तो संजू ने भी सोच लिया कि मुझे क्या करना है, डायरी लिखना है। तो उनके पिता को पता चला, तो उनके पिताजी बहुत खुश हुए कि चलो भाई तुम भी कर सकती है, और पिताजी एक सुंदर डायरी ला करके संजू को दे देते हैं। अब संजू मुश्किल में पड़ गई, वह कैसे शुरू करे, उसको पता नहीं चल रहा है कि कैसे हमें शुरू करना है। तभी उसे याद आया उसकी दीदी भी तो डायरी लिखती है। संजू को पता चला कि हाँ उसकी दीदी भी डायरी लिखती है। उसने दीदी को अपनी इच्छा बताई, दीदी के पास गई और बोलती है कि हमें भी डायरी लिखना है, तो कुछ मेरा मदद कीजिए। दीदी ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, यह तो कोई कठिन बात नहीं है, बस रात को मन लगाकर बैठ जाओ, दिन भर की सारी घटनाएं याद करो और वैसी की वैसी लिख दो। मतलब रात के टाइम पर आप बैठिए अच्छा से, एंड दिन भर जो भी आपने किया है उस सारे को लिख दीजिए, बस इसे प्रतिदिन लिखते रहना जरूरी है, सभी दिन लिखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप 26 तारीख को लिखे 27 को नहीं लिखे। संजू ने हट करते हुए कहा, दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना। मतलब संजू नया लड़की है, कभी नहीं लिखी है, तो उसको हल्का प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो अपनी दीदी से बोल रही कि तुम अपना डायरी मुझे क्या कर दो, दिखा दो, तो बस थोड़ा सा पढ़कर लौटा दूंगी। दीदी पहले तो हिचकाई, मतलब हिचक करते हैं कि नहीं देना चाहती है, फिर
बात मान ली संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वो नीचे दिए जा रहे हैं। अब देखिए, संजू ने दीदी का डायरी पढ़ा, संजू ने दीदी का डायरी पढ़ा। अब जब डायरी पढ़ती है संजू, तो संजू के दीदी के डायरी में क्या लिखा गया है वो यहाँ पर आपके चैप्टर में भी दिया गया है। 1 जनवरी याद रखिएगा, 1 जनवरी 1997, 1997 का जो डेट है। अब डेट बाय डेट मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में भी डेट बाय डेट पूछेगा, पूछेगा कि संजू के दीदी के डायरी में 1 जनवरी 1997 को किस घटना का चर्चा किया गया है। तो सबसे पहला जो डेट है वो कौन है, 1 जनवरी 1997। तो याद रखिएगा, 1 जनवरी 1997 को क्या होता है समझने की कोशिश कीजिएगा। 1 जनवरी 1997 को सीधा सीधा जो है यहाँ पर आपने क्या देखा कि संजू ने दीदी के डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वो नीचे दिए जा रहे हैं। संजू अपने दीदी के डायरी का कुछ पन्ना पढ़ती है, उस पन्ना को नीचे लिखा गया है। तो संजू के दीदी की डायरी में 1 जनवरी 1997 को क्या घटना लिखा था, मैं आपको साधारण से भाषा में समझाना चाहता हूँ, समझिए। इसमें संजू की दीदी ने लिखी थी कि मैं कॉलेज गई, कॉलेज में कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं हुआ क्योंकि बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। कंस्ट्रक्शन मतलब घरूर बन रहा होगा, तो खटखट की आवाज हो रही थी, ठीक है। तो बोरिंग सा रहा दिन, अच्छा कुछ इसमें नहीं हुआ, बस इतना ही चीज इसमें दिखाया गया है। अब आता है 2 जनवरी, 2 जनवरी 1997, 2 जनवरी 1997 को काफी महत्वपूर्ण घटना संजू के दीदी के साथ घटा था। क्या घटा था देखिएगा, संजू के दीदी के साथ क्या घटा समझने की कोशिश कीजिएगा। आज सुबह शीला के घर गई, 97 जो नंबर आपके 2 जनवरी का जो डेट है इसमें शीला के घर गई। वह स्नान घर में थी, अकेले बैठे बैठे क्या करती, पत्रिका का पुराना रंगीन पृष्ठ नजर आया, पेपर का नया पुराना पेज उसको नजर आया, उसी को उलटने पलटने लगी। इसमें एक चुटकुला बहुत मजेदार था, हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अभी डायरी लिखते समय भी हंसी नहीं रुक रही है। उसकी दीदी जो है जो पेपर पढ़े उसमें बहुत अच्छा चुटकुला दिया गया था, वो पढ़ते पढ़ते समझ लो लोटपोट हो गई। फिर से पढ़ पाऊं इसीलिए लिख देती हूँ इसे। और उसकी दीदी ने क्या सोचा कि भाई इस चुटकुला को फिर से जिंदगी में कभी पढ़ पाऊंगी इसलिए मैं लिख देती हूँ, ठीक है। इसी चुटकुला क्या था समझिएगा, चुटकुला था, समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं लिख देता हूँ। इसमें चुटकुला का बात किया गया है, चुटकुला मैं लिख ही देता हूँ, पूरा नहीं लिखने वाला हूँ, मतलब कुछ उसका मैं थोड़ा सा अंश लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो चुटकुला का चर्चा है पहला, तो पहला इसमें चुटकुला का चर्चा है। चुटकुला क्या था, एक खरीदार है, खरीदार मतलब जो सामान खरीदता है, तो वो भैंसी खरीदने वाला व्यक्ति है, भैंसी खरीदने वाला व्यक्ति मालिक से कहता है इस भैंस की तो एक आंख खराब है, फिर इस भैंस का 7,000 रुपये क्यों मांग रहे हो। मालिक कहता है कि भैंस से दूध लेना है या कसीदाकारी करवानी है, मतलब आंख खराब है उससे क्या हुआ, आंख से तो कोई मतलब है नहीं, दूध लेना है, दूध से मतलब रखो, ठीक है। तो आपको बस 7,000 रुपये हमने बोला तो देना होगा। तो पहला तो चुटकुला का बात है, जो अपने शीला के घर जाकर के उसने बात करी थी, पढ़ी थी वो। अब दूसरा दृश्य इसमें दिखाया गया है माँ के बारे में, माँ का तबीयत, किसके माँ का, संजू के दीदी की जो माँ है उसका तबीयत खराब है। माँ को कल रात में से मलेरिया है, तो रात भर उसके पास बैठी रही, खाना भैया ने बनाया। संजू के दीदी के माँ का जो है ना वो खराब है तबीयत, तो वो माँ के पास ही बैठी रही भर दिन, खाना उसके भैया ने बनाया। अब भैया खाना बनाएंगे तो समझ ही सकते हो कि क्या समस्या आ सकता है। तो भैया ने खाना बनाया, अब देखियो मैं एक लाइन पढ़ता हूँ, बहुत मजा आएगा आपको सुनने में अगर ध्यान समझिएगा। तो रात, हाँ, खाना भैया ने बनाया, आलू मटर की सब्जी बनाई, गरम गरम रोटियां सेक ली। मैंने ज्यों ही पहला रोटी मुंह में डाला तो फीकी लगी, फीका लगा मतलब नमक नहीं था।
नमक तो था ही नहीं, भैया बनाए हैं पहले दिन तो घटना तो घटेगी ही। माँ ने पूछा, नमक नहीं थी। माँ ने पूछा सब्जी कैसी है, मैंने कहा बहुत स्वादिष्ट है। तो दीदी को तो पता है कि नमक नहीं है, बोलेंगे कि नमक नहीं है तो भैया का बेइज्जती हो जाएगा, इसीलिए उसने बोला कि बहुत स्वादिष्ट है। इधर भैया का बुरा हाल, भैया को भी पता चल गया होगा कि मैंने नमक नहीं डाला है। भैया का बुरा हाल, आंखें नीची, पर इससे क्या, नमक नहीं था तो कोई बात नहीं, बाद में डाल दिया। सोच रही थी अगर भैया 2 बार नमक डाल देते तो क्या होता। कौन सोच रही थी, तो जो संजू की दीदी है वो सोच रही थी कि नमक नहीं डाले तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से डाल के खा लेंगे। लेकिन अगर ये इसी तरह का स्थिति रहता और फिर इसमें 2 बार नमक डाल देते तो क्या होता, तब तो सब्जी का राम नाम सब तो हो जाता। ठीक है, तो ये चीजों का चर्चा किया गया है, माँ की तबीयत खराब है इसके बारे में। इसके बाद 3 जनवरी, याद रखिएगा 3 जनवरी 1997 नहीं 97, कोई पिकनिक पर जाती है। कहाँ जाती है, पिकनिक, याद रखिएगा। ठीक है ना, कौन जाती है पिकनिक पर, संजू नहीं, संजू की दीदी। और पिकनिक पर गई थी, पिकनिक में क्या मजा मस्ती करी, क्या देखी, क्या सेलिब्रेट करी, वो सारे के सारे चीजों का ही वर्णन किया गया है। तो पूछा जाएगा कि 3 जनवरी 1997 को किस चीज का वर्णन है, तो पिकनिक का वर्णन की गई है, किया गया है। इसके बाद आता है 4 जनवरी, 4 जनवरी 1997, 4 जनवरी 1997 को रविवार है। कौन सा दिन है, तो रविवार। अब रविवार के दिन दीदी जो है वो क्या करती है, उस सारे चीजों को इसमें लिखा गया है। वो कहती है कि एक जापानी लड़की की कहानी है, एक जापानी लड़की की कहानी वो पढ़ती है, बड़ी मजेदार। जिस स्कूल में वह पढ़ती थी वह रेल के 6 डिब्बों में चलता था, समझ लो रेल के 6 डिब्बों में स्कूल चलाया जा रहा था जापान के अंदर। जो जहां चाहे बैठो, जो चाहे पढ़ो, शिक्षक का कोई डर नहीं, पूरी आजादी। तो चान एक मनमौजी लड़की, तो चांद जो है एक लड़की है जिसका नाम, जो मनमोजी है, मनमोजी जानते हैं अपने मन की ही सुनने वाली लड़की है। उससे संबंधित चीजों को वो क्या करती है, जानती है, बहुत अच्छी लगी। दीदी कहती है कि उनके बारे में पढ़कर हमें जो है, एक जापान के लड़की की, तो चांद जिसका नाम है, उसके बारे में पढ़कर मुझे बहुत जो है अच्छा लगा। 4 जनवरी के बाद बात आता है 5 जनवरी का 1997। 5 जनवरी 1997 में क्या है, दीदी की एक सहेली है जिसका नाम है नीलू, याद रखिएगा नीलू नाम है। तो नीलू की शादी करी जा रही है, नीलू की शादी हो रही है, मतलब उसके परिवार वाले शादी कर रहे हैं उनका। लेकिन ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि नीलू की अभी एज बहुत ही कम है। दूसरा बात, नीलू पढ़ना भी चाहती है, लेकिन फिर भी उसके परिवार वाले जबरदस्ती नीलू का शादी करवाने पर तुले हुए हैं। तो 5 जनवरी में क्या दिखाया गया है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। आज का पूरा दिन उदासी में बीता, दीदी कहती है 5 जनवरी की डायरी में कि आज का पूरा दिन मेरा उदासी उदासी में बीत गया। माँ ने मुझे बार बार टोका, उदासीनता का कारण जानना चाहा, वो उदास क्यों थी। इसीलिए उनकी माँ जो है, दीदी की माँ बार बार पूछती थी कि क्यों उदास हो, पर मैं कुछ बोल ना पाई, क्या बताऊं। वह मेरी सहेली नीलू ने न कल से पढ़ने नहीं आएगी, मतलब कल से पढ़ने है ना, वो कहते कि नीलू है ना कल से पढ़ने नहीं आएगी, 1 महीने बाद यह गांव भी छूट जाएगा। वो कहती है दीदी नीलू के बारे में कि नीलू कल से पढ़ने भी नहीं आएगी, 1 महीने बाद उसको गांव भी छूट जाएगा। उम्र तो मेरी जितनी ही है, पर घर वाले उसके हाथ पीले करने की करके ही दम लेंगे। हाथ पीला करना मतलब शादी करना, सीधा सीधा समझ सकते हैं। मुझे मिली तो गले लगकर रोने लगी, जो नीलू है दीदी को जब मिली तो वो रोने लगी गले लगकर। कहती थी बहन पढ़ने का बेहद मन है, नीलू कहती थी दीदी को कि पढ़ने का मुझे बहुत ज्यादा मन है, पर क्या करूं कोई मेरी बात सुन नहीं रहा है। ठीक है, इस चीजों को दिखाया गया है, नीलू का जो है मतलब शादी किया जा रहा है, इस चीजों का बराई है, बराई नहीं, इस चीजों के बारे में जानकारी दिया गया है। अब आता है 6 जनवरी, 6 जनवरी 1997 का दिन,
6 जनवरी को क्या दिखाया गया है दीदी के डायरी में वो समझिएगा। दीदी के डायरी में 6 जनवरी को क्या दिखाया गया समझिएगा। 6 जनवरी को जब दीदी कॉलेज जाती रहती हैं तो रिक्शा वाला क्या करते हैं, छींक देते हैं। छींकना जानते हैं ना आप लोग, छींकना। तो रिक्शा वाला क्या कर देते हैं, छींक देते हैं। जैसे ही वो घर से निकलती है रिक्शा पर बैठने के लिए, रिक्शा वाला छींक देते हैं। तो दीदी की जो दादी है वो कहती है कि आज कॉलेज मत जाओ क्योंकि सामने का छींक है गलत हो सकता है। मतलब उस टाइम के लोग, और अभी भी कुछ लोग छींकना या फिर बिल्ली के द्वारा रास्ता काट देना इस सब को गलत मानते हैं। कोई छींक दे तो भी गलत है, बिल्ली रास्ता काट दे तो भी क्या है, गलत है। तो दादी कहती है दीदी से कि आज कॉलेज मत जाओ, आज तुम्हारा दिन अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि सामने का छींक है तो गड़बड़ हो सकता है। दीदी भी सोचती है हाँ चलो ठीक है, क्या करते हैं नहीं करते। वो कंफ्यूज हो जाती है कि जाए कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए। लास्ट में निर्णय निकलता है, दीदी को याद आता है कि ओहो आज तो कॉलेज में डांस कंपटीशन है, जाना तो पड़ेगा। ठीक है, तो डांस कंपटीशन था तो वो चली गई कॉलेज, कहती है कि नहीं जाने दो मुझे। ठीक है, जब कॉलेज गई डांस कंपटीशन में वो भाग लेती है तो वो जीत जाती है। तो जीत जाती है, इसका क्या मतलब कि ठीक वो कुछ होता नहीं है, छींकने से किसी का बुरा नहीं होता है या किसी का भला नहीं होता है, ये तो एक अनैच्छिक क्रिया है जो किसी के बस में नहीं है, कभी भी घटित हो सकता है। ठीक है, तो इन चीजों को दिखाया गया है। तो छींक के बारे में बातें हम लोगों ने कर ली, तो ये चीज आपने देख लिया कि इसमें, इसके अंदर ये दिखाया गया है। इसके बाद बात आता है 7 जनवरी का, और ये लास्ट है तो समझ लीजिएगा 1997 ही है, 7 जनवरी 1997 का आता बात। आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, न पढ़ाई में मजा आ रहा न खेल में, कोई डांट डपट भी नहीं हुई। कभी कभी सोचती हूँ सब लोग लड़कियों को ही क्यों डांटते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, सभी लोग डांटने के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। ठीक है, और वो दीदी जो है सोचती है कि सभी लोग डांट लड़कियों को ही क्यों डांटते हैं, लड़कियों को ही क्यों डांटते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर क्या किया गया है, बात किया गया है। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज, वो महत्वपूर्ण चीज ये है कि एक चैप्टर हम लोग और समझ लेते हैं। ठीक है, एक चैप्टर और समझ लेने से काफी ज्यादा ही महत्वपूर्ण होगा। दीन बंधु निराला जो पाठ है, ये तीनों पाठ, ये पाठ पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में अगले चैप्टर को भी क्या करेंगे, समझेंगे। तो आप लोग 5 मिनट और समय दीजिए, 5 मिनट में हम लोग क्या करते हैं, एक चैप्टर को और समझ लेते हैं। चैप्टर का नाम है दीन बंधु। ठीक है, दीन बंधु, दीन बंधु, ठीक है, और निराला, दीन बंधु निराला, निराला, दीन बंधु निराला पाठ का नाम है। याद रखिएगा, अभी इसके बारे में और भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हम लोग करने वाले हैं। इसके लेखक है शिव पूजन सहाय। सबसे पहला बात क्या याद रखिएगा, पूरा लिख देता हूं, आचार्य, आचार्य शिव पूजन सहाय। ठीक है, शिव पूजन सहाय, आचार्य शिव पूजन सहाय, ये है लेखक। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये है क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि यह एक काफी महत्वपूर्ण जो है निबंध है, शायद मैं देख लेता हूँ, एक कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए या फिर गलत भी मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, एक निबंध है। सही मैंने बोला कि एक निबंध है, क्या है, निबंध है। तो पूछा जाएगा कि दीन बंधु निराला पाठ जो है वो क्या है, तो बोलिएगा यह एक निबंध है। दूसरा पूछा जाएगा कि इसके लेखक कौन है, तो आचार्य शिव पूजन सहाय है। अब बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर दिखाया क्या गया है। याद रखिएगा, आधुनिक काल के बेहद प्रतिष्ठित कवि सूर्यकांत है ना त्रिपाठी निराला, ये कवि भी थे। निराला जी क्या थे, निराला जी कवि थे। इनका पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है ना, पर लिखी गई यह जीवनी, निराला जी के बारे में लिखा गया ये जो आपका पाठ है, एक जीवनी है, एक संवेदनशील साहित्य के
सरोकार और संघर्ष को प्रकट करती है। निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनेक अनछुए पहलुओं का उद्घाटन करना पाठ का उद्देश्य है। निराला जी एक बहुत ही महान कवि थे, फेमस कवि थे। इनका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम था। अब निराला जी के ही जिंदगी को इस पाठ में दिखाया गया है और उसके जीवनी को लिखने का काम किसने किया है, तो शिव पूजन सहाय ने, आचार्य शिव पूजन सहाय ने निराला जी के जीवनी को लिखा है। अब इनका खासियत क्या है, इनको कहा गया है दीन बंधु। क्या कहा गया है? दीन बंधु कहा गया है, समझिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, दीन बंधु कहा गया है। ठीक है, निराला को क्या कहा गया है? दीन बंधु कहा गया। दीन बंधु दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो शब्द है दीन, दीन का अर्थ होता है गरीब। क्या होता है? गरीब होता है। एंड बंधु का अर्थ होता है भाई, बंधु का अर्थ भाई। तो निराला जी को दीन बंधु क्यों कहते थे? निराला जी को दीन बंधु इसीलिए कहा जाता था क्योंकि ये गरीबों का बहुत ही ज्यादा हेल्प करते थे। कोई भी व्यक्ति जितना अपने भाई का हेल्प करते हैं उतना ये गरीबों का हेल्प किया करते थे, तो समझ सकते हैं इसीलिए निराला जी को दीन बंधु भी कहा जाता था। तो याद रखिएगा, गरीबों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करते थे निराला जी, इसीलिए इनको दीन बंधु कहा जाता था। और इसी चीज को इसमें दिखाया भी गया है। किस चीज को? तो निराला जी अपने जिंदगी में गरीबों का कितना मदद किया करते थे, इसी चीज को इस पाठ में दिखाया गया है। तो सबसे पहले निराला जी के परिचय के बारे में जानते हैं। महाकवि रहीम के प्रसिद्ध दोहे की यह एक पंक्ति महाकवि निराला पर सटीक बैठती है। तो रहीम का एक दोहा है, सुनिएगा दोहा क्या है। जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम होए। इन्होंने मतलब रहीम कवि ने लिखा है, जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम होए, मतलब जो व्यक्ति दीन मतलब गरीबों का सहायता करते हैं वो दीन बंधु के समान हो जाते हैं। किसके समान हो जाते हैं? दीन बंधु के समान हो जाते हैं। और यह जो दोहा है आपके निराला जी पर पूरा का पूरा सटीक बैठता है, क्योंकि ये भी गरीबों का बहुत ज्यादा हेल्प करते थे, इसीलिए इनको दीन बंधु कहा गया है। ठीक है, निराला समुच्च दीनों को ही बराबर लखते थे, मतलब समुच्च दीनों मतलब हमेशा जो है गरीबों के बारे में लिखते रहते थे, और उन्हें लिखते लिखते वह भी दीन बंधु के समान हो गए थे, मतलब गरीबों के समान जो है हो गए थे। दीन बंधु के समान न हुए होते तो समस्त हिंदी संसार में आज उनकी जैसी लोकप्रियता दिख पड़ती है वैसी आजकल किसी साहित्यकार की नहीं दिख पड़ती है। निराला जी का नाम इतना फेमस इसीलिए है क्योंकि ये गरीबों का बहुत सहायता करते थे, इसीलिए आज वो फेमस है। और दूसरे कवि फेमस नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया है, लेकिन दीन बंधु जी बहुत गरीबों के लिए मदद किए हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा फेमस व्यक्ति रह चुके हैं। ठीक है, तो ये जिंद शुरू से लेकर के अंत तक गरीबों का बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, इसी सारे चीजों को दिखाया भी के आ रहे हैं। और अब इस चैप्टर के अंदर भी यही सारे के सारे चीज दिखाए गए हैं। अगला बात करते हैं कि जब इनको रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन एक संस्था है जो मुख्य रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर के जो पिताजी के द्वारा चलाया गया था, जब उसमें इनको नौकरी मिलता है, सीधा समझ लीजिए उसमें इनको काम करने का मौका मिलता है, तो वहां पर भी ये काम गरीबों को भोजन खिलाने के लिए क्या करते हैं, भोजन खिलाने का काम करते हैं। मतलब इस पूरे चैप्टर में इतना ही दिखाया गया है कि दीन बंधु निराला जी जो है कितना ज्यादा गरीबों का मदद करते थे, बस इसी सारे चीजों को क्या किया गया है, दिखाया गया है। तो वो हम वहां पर जो रामकृष्ण मिशन में काम करने का मौका मिला तो वे कौन सा काम लेते हैं, वहां गरीबों को भोजन खिलाने का काम लेते हैं। और जब आपको पता होना चाहिए कि मतवाला मंडल में एक बार एक धनी मनी बंगीय परिवार, बंगीय परिवार तो बंगाल के परिवार ने उसके विवाह का प्रस्ताव भी आया था,
बहुत ही बड़े परिवार से इनके शादी का भी प्रस्ताव आया था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, शादी भी नहीं किया, क्योंकि इनको पता था कि जैसे ही शादी करेंगे तो शादी, बीवी बच्चे परिवार, तो फिर हम उलझ जाएंगे उधर और गरीबों का हेल्प नहीं कर पाएंगे। जितना भी इनका धन था, पैसा मिलता था, कमाई था, वो सारा का सारा ये क्या करते थे, गरीबों की हेल्प में लगा देते थे। और ये शादी इसीलिए नहीं किए क्योंकि इनको पता था कि जैसे शादी करेंगे तो हम उलझ जाएंगे, तो हम गरीबों का इतना हेल्प नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इन्होंने शादी भी नहीं किया। और भी अलग अलग तरीका से गरीबों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करने का काम किया है, गरीबों को मदद किया है। तो इस तरह से आप इस चैप्टर को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इस चैप्टर का पूरा चैप्टर का बस एक ही अर्थ है कि दीन बंधु निराला जी, दीन यानी कि गरीबों के कितने बड़े मददगार थे, कितने बड़े उसको सहायता करने वाले व्यक्ति थे, इसी चीजों को दिखाया गया है। और आपको हमने कई घटनाओं के बारे में भी बताया कि किस तरह से वो काम करते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इस तरह से हम लोगों ने आज 3 चैप्टर कर लिए 2 की जगह पे। थैंक यू सो मच आप सभी को सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और जितने भी साथी एलजीआर स्टडी अब डाउनलोड नहीं किए हैं तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है मिल जाएगा। गुड बाय, मिलेंगे अगले क्लास में।